हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम एक्सचेंज रेट्स मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे और ये क्या होती है हम समझेंगे। जब भी हमारे पास जब भी कोई भी फॉरेन करेंसी की डील होती है कि भाई हम मान लो कि 1 डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है या रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो इनमें क्या होता है कि डील जो होती है वो डेट और जिस डेट पे फंड का सेटलमेंट होगा, एक्चुअल में फंड आ जाएंगे। मान लो आपने रुपए की डॉलर में डील की है या डॉलर की रुपए में आपके बैंक अकाउंट में वो करस्पॉन्डिंग का अमाउंट आ जाएगी, उस चीज को हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। और उस डेट को वैल्यू डेट भी बोलते हैं। क्या क्या डेट बोलते हैं? वैल्यू डेट बोलते हैं। एक होती है डेट ऑफ डील, जिस दिन आपने डील फाइनलाइज की है, पर यह जरूरी नहीं है कि उस दिन जो आपके फंड है वो आपके उन सेटल हो जाएंगे। तो जब भी ये हमारे पास फॉरेक्स की बिजनेस होता है या फॉरेक्स होता है, तब ये चीजें काम में आती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि डेट ऑफ डील है उसको हम टी से इंडिकेट कर रहे हैं और वो 3 अक्टूबर 2016 ये हमने एक डेट ली है फॉर एग्जांपल मंडे को है, और सेम डेट पे अगर आपके अकाउंट में फंड आ गए, सेम डेट पे आपके अकाउंट में फंड आ गए ऑन द सेम डे, तो जिस डेट पे डील हुई उसी डेट पे अगर आपके पास आए, अगर मान लो टी तारीख को हुआ तो टी तारीख को ही आ गए, तो उस डेट को हम उस टाइप की जो एक्सचेंज रेट होती है वो रेडी और कैश वाली एक्सचेंज रेट होती है। क्लियर है? दूसरा एक क्या होता है कि हो सकता है कि उस दिन नहीं आए और नेक्स्ट डे आए, ठीक है। तो मान लो कि टी है, टी की बजाय T+1 पे आए, 3 अक्टूबर 2016 को अगर मान लो आपका डील हुआ है, डेट ऑफ डील, और 4 अक्टूबर 2016 जो कि ट्यूसडे है उस दिन अगर आपके अकाउंट्स में फंड आए, सेटलमेंट ऑफ फंड्स उस तारीख को हो, तो उसको बोलते हैं टॉम डेट। जो एक्सचेंज रेट जो बोली जाएगी वो क्या होगी? टी ऑन डेट। पर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो T+1 है उसमें जो जो अगला है नेक्स्ट वर्किंग डे है, मतलब बेसिकली क्या हो, नेक्स्ट पर ये होना चाहिए वर्किंग डे इन बोथ द कंट्रीज। अगर मान लो दो कंट्रीज के बीच में है पार्टी जिनके बीच में डील हुई है करेंसी को लेकर, तो दोनों कंट्रीज में अगला दिन वर्किंग डे। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया और यूएसए के बीच में डील है, इंडियन कोई ब्रोकर है और यूएसए का कोई ब्रोकर है, तो उनके बीच में डील हुई है तो इंडिया में भी वर्किंग डे होना चाहिए और यूएसए, मान लो इंडिया में 2 अक्टूबर है, हो सकता है यूएसए में उस दिन हॉलीडे नहीं हो, तो उस केस में वो जो डेट है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, नेक्स्ट वर्किंग डे कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो सैटरडे संडे आ रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो वर्किंग डे नहीं होते। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वर्किंग डे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे कॉमन रेट आती है स्पॉट रेट, वो क्या होती है? स्पॉट का मतलब तुरंत इंस्टेंट होना चाहिए, स्पॉट का मतलब, पर इसका ये मतलब जो लिटरल मीनिंग है उसका ये मतलब होता है कि जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि 2 दिन का मार्जिन दिया जाता है, जिस दिन भी डील होती है उससे 2 वर्किंग डे का मार्जिन होता है स्पॉट रेट का, मतलब तुरंत रेट में, मतलब ये जो रेडी रेट और टॉम रेट है ये बहुत कम चलती है, स्पॉट रेट ही चलती है। और उसमें मतलब क्या होता है कि 2 दिन का मार्जिन होता है। जैसे मान लो 3 अक्टूबर का आपका ट्रांजेक्शन डील हुई है तो आपका जो सेटलमेंट होगा T+2, मतलब 5 अक्टूबर 2016 को हो रहा है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 4th भी वर्किंग डे 5th भी वर्किंग डे दोनों कंट्रीज में, तो उस रेट को क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट बोलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली यही रेट हम मतलब कंसिडर करते हैं, रेडी और टॉम रेट नहीं होती, स्पॉट रेट ही होती है। और इसको स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि 2 दिन हम देके चलते हैं और ये दोनों दिन क्या होने चाहिए? वर्किंग डे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर ऐसा हो कि 4th अक्टूबर तो वर्किंग है और 5th वर्किंग नहीं है, 5th वर्किंग नहीं, तो जो अगर स्पॉट रेट के लिए जो सेटलमेंट की डेट होगी वो क्या होगी? 6th अक्टूबर 2006 होगी अगर 5th नॉट वर्किंग डे है तो दो जो अगले 2 वर्किंग डे का, और मान लो सैटरडे संडे पड़ गया, फॉर एग्जांपल मान लो कि 6 अक्टूबर का सैटरडे पड़ गया और 7 का संडे हो जाएगा, तो देन अगली वर्किंग डे अगला जो वर्किंग डे आएगा 5th नॉन वर्किंग है, 6 सैटरडे और 7th संडे, तो जो स्पॉट रेट के लिए जो अगला सेटलमेंट डेट के लिए टाइम होगा वो क्या होगा? 8 अक्टूबर, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट कि स्पॉट रेट क्या होती है? अब आता है कंसेप्ट फॉरवर्ड रेट।
एक्चुअल में क्या होता है, जब भी रेट्स ज्यादातर जो कोट की जाती है वो क्या होती है, जनरली स्पॉट रेट्स होती है, मार्केट रेट्स, फॉरेक्स, इन फॉरेक्स मार्केट ऑल रेट्स आर कोटेड एज, ये आपको ध्यान रखना है, आर कोटेड एज स्पॉट रेट्स। और उसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि भाई 2 दिन का आपके पास टाइम है, 2 वर्किंग डे का वो टाइम है, तब तक वो सेटलमेंट हो सकता है जो कि सेकेंड वर्किंग डे होगा, ठीक है। अब जब ये इससे बियॉन्ड हो, 2 दिन से ज़्यादा बियॉन्ड जाए, 2 दिन से ज़्यादा बियॉन्ड जाए, बियॉन्ड 2 वर्किंग डेज, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, मतलब आगे की तरफ ट्रांजेक्शन हो रहा है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेट है वो स्पॉट रेट से डिफरेंट होती है, और मतलब ये जो रेट है स्पॉट रेट से डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है क्योंकि मान लो कि आप ट्रांजेक्शन में 2 दिन, इसका जो सिंपल सा मतलब फॉरेक्स बिजनेस में 2 वर्किंग डे का टाइम है, अगर 2 वर्किंग डे से टाइम से ज़्यादा लेते हो तो आपको क्या होगा, उसके करस्पोंडिंग जो इंटरेस्ट आएगा उसके हिसाब से हमारी इंटरेस्ट जो हमारी रेट्स है उनका डिफरेंस होगा। जो मेन फैक्टर होगा वो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर होगा, कि मान लो आपने, आपको मान लो $500 आपने कर रखा है, $1 बराबर ₹70 का स्पॉट रेट का कर रखा है, ठीक है। अब मान लो कि आपने एक तो कर रखा है कि 2 दिन बाद दें तब तो ठीक है, पर आप मान लो कि आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से परचेज करना चाहते हो, $500 चाहिए, आप रुपी देना चाहते हो उसको, तो बैंक अगर आप 2 दिन बाद बोलोगे ना, उस बैंक के पास जाओगे तो आपको स्पॉट रेट के हिसाब से तो ठीक है, पर आप बोलोगे कि मैं 1 महीने बाद भी ₹70 के हिसाब से 500, मान लो कि 1 महीने बाद भी 500 × 70 रुपीज देना चाहूँ, तो नहीं हो सकता है, जो जो डॉलर की रेट है वो 70 हो जाए, क्योंकि रुपया और कमजोर होता जाए और $1 बराबर ₹80 हो जाए, होता है ना, बढ़ता जा रहा है डॉलर की रेट, बढ़ती जा रही है, रुपया कमजोर होता जाता है, तो 1 महीने बाद जो होगा, क्योंकि जो जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा रुपीज का और डॉलर का जो एप्रिसिएशन हो जाएगा उसके कारण, जो 1 महीने बाद बैंक बोलेगा कि मेरे को 70 नहीं चाहिए, मेरे को 80, आपको ₹500 × ₹80 देने पड़ेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड मतलब ये क्या हो गया, ऑन सेकेंड, ये जो स्पॉट था ऑन सेकेंड वर्किंग डे, और ये क्या हुआ बियॉन्ड, मतलब इसमें क्या हुआ टी प्लस एन, मतलब जो कि एन 2 से बड़ा, टी प्लस 2 का मतलब स्पॉट रेट और टी प्लस एन मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड सेकेंड वर्किंग डे। ठीक है, तो अब आपको इसके बेस पे जो हमने ये एग्जांपल समझा है ना, इसके बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी रेट लगेगी, स्पॉट रेट लगेगी, फॉरवर्ड रेट लगेगी, टीओम रेट लगेगी, रेडियो, और इसमें वैल्यू रेट क्या होती है, ये भी इस पे बेस भी कंसेप्ट में, इस पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये कंसेप्ट समझिए, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लेंगे और इसको आगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए।